My name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info by Ravi. Today my topic is Australia Working Holiday Visa for Indians. आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कर रही है कि इंडियंस के लिए जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना है, इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे. सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले समय में मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को पूरा देखें कि वर्किंग हॉलीडे वीज़ा क्या होता है, ये किस कंट्रीज़ के लिए और इंडियंस के लिए अप्लाई है या नहीं और कौन सी एज क्राइटेरिया है, इसकी वीज़ा फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है. सो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे. सो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा क्या है, आप इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप इस कंट्री में ट्रेवल एंड वर्क कर सकते हैं और जो इसकी जो ड्यूरेशन है वो एक साल तक की है और आप इसमें एक साल एक्सटेंड करा सकते हैं. इस वीज़ा में टोटल जो ड्यूरेशन जो है वो एक साल प्लस एक साल तो दो साल होती है. अब ये जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सोच रही है. इसमें काफ़ी कंट्रीज़ को इंक्लूड करा गया है जैसे इंडिया, ब्राज़ील, सम चिलियन, सम फिलीपींस, मैक्सिको, ब्राज़ील, दिस कंट्रीज़ को भी इन्होंने अनाउंस करने की सोच रहे हैं. अभी करा नहीं है. डेवलप्ड कंट्री के लिए ऑलरेडी ये वीज़ा पिछले 15 सालों से चल रहा है और जो जो डेवलप्ड कंट्री की जो नेशनलिटीज़ की जो पर्सन है जो ट्रेवल प्लस वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 35 रखा था और जो डेवलपिंग कंट्री जो अनाउंस करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं मिस्टर डेविड कॉलेमन ऑस्ट्रेलियन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सोच रहे हैं कि इस वीज़ा को वर्किंग हॉलीडे वीज़ा को इंडियन नेशनल और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ताकि इसका रीज़न एक बहुत बड़ा सामने आया है कि जो वहाँ शॉर्टेज ऑफ लेबर, जो सीजनल वर्कर की जो ज़रूरत पड़ती है वो उनके पास जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर हैं और जो वहाँ के फार्मर हैं उनको नहीं पूरी नहीं मिल पा रही है सीजनल वर्कर्स. सो इस वीज़ा से अगर वो एशियन और डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अलाउ करेंगे सो जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वर्कर्स सीजनल टाइम पर पूरा मिल सकेंगे. सो जो एशिया के जो लोगों की सोच रही है, मिस स्पेशली इंडियंस की सोच रही है, वो इस पर्सपेक्टिव से सोच रही है कि इंडियन सिटीजन अगर ये ग्रांट होता है, खैर अभी तो डिस्कस हुआ है, अभी वो सोच रही है डॉक्टर कॉलेमन की जो गवर्नमेंट है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको अगर हम बिल पास करते हैं, इस कानून को हम पास करते हैं सो जो इंडिया से जो वर्कर आएंगे वो एक साल और प्लस वन ईयर्स रह सकते हैं और वो उधर ट्रैवल प्लस काम कर सकते हैं. इसमें आप फैमिली को नहीं ले जा सकते और इस वीज़ा में एक थोड़ी सी चेंजेस आ सकते हैं अगर ये वीज़ा ग्रांट हुआ. इसको सब क्लास बोलते हैं 462. ये आगे बताऊंगा, अंत एंड में बताऊंगा. अगर ये किसी वीज़ा ग्रांट होता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है इंडियंस को या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को, सो ये वीज़ा किस वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है. सो जो ये वीज़ा अभी तक ग्रांट नहीं हुआ है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है और जो कनाडियंस हैं और सम यूरोपियन कंट्रीज़ की जो नेशन है उसमें एज जो लिमिट है 18 से 35 जो, और जो दूसरी कंट्रीज़ और एशियंस के लिए सोच रही है वो 80 to 30 ईयर्स. आपको एजुकेशन की इसमें इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है. और दूसरी बात, इसकी जो वीज़ा फ़ीस है $485 रखी गई है और आपके पास अगर एजुकेशन है तो भी अच्छी है, नहीं है तो भी, लेकिन आपको फिज़िकल फिट होना चाहिए यानी मेडिकल में आपको पूरा मिस कोई डिसीजेज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. और जो इसकी जो एलिजिबिलिटीज़ है, जो आपके पास एक फ्रेश पासपोर्ट होना चाहिए, एज होनी चाहिए और जो आपके पास ऐसा कोई रिफ्यूज्ड वीज़ा नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, आपने रिसेंट में अप्लाई करा है उसके बाद आप इस अप्लाई करने वाले हो, ऐसा कुछ रिफ्यूज़ के फ्रेश केस होना चाहिए और फिज़िकली फ़िट होना चाहिए. एजुकेशन की इतनी कोई रिक्वायरमेंट ही है, लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 4.5 बैंड्स टू 5 बैंड्स आपको चाहिए ही चाहिए इसमें, जो जनरल स्पीकिंग जिसे बोलते हैं. सो ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा के जो कुछ रूल्स एंड क्राइटेरिया, कुछ एज लिमिट मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने ये कोई लॉ पास नहीं कराया है 462 क्लास वीज़ा फॉर इंडियंस वर्किंग हॉलीडे वीज़ास इन ऑस्ट्रेलिया. सो अभी जस्ट डिस्कस हो रहा है, अभी सूत्रों से पता लगा, जो अभी कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं कि गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों सोच रही है. इसका जो मेन रीज़न है वो है जो ऑस्ट्रेलिया में जो सीजनल वर्कर्स की ज़रूरत रहती है वो इस
वीज़ा के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा है वो जो एक साल होगा प्लस एक साल ड्यूरेशन होगी, इसके बाद अगर कोई पार्टिसिपेंट इस वीज़ा के थ्रू आता है जाता है उसमें, वो अगर ऑस्ट्रेलिया में और भी रहना चाहता है तो उसकी और क्लासेस हैं, जैसे बोलते हैं 190 एंड 419 वीज़ा होते हैं, वो चेंज करा सकता है। सो यही एक वर्किंग हॉलीडे वीज़ा का एक मिथ था। मिस काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर इंडिया के लिए चालू हो गया है नहीं है। सो अभी आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री के लिए काफ़ी 15 सालों से चल रहा है। एशिया के लिए अभी सोच रहे हैं स्पेशली इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड फिलीपींस, इन कंट्रीज़ को मिस करीब 12 या 13 कंट्रीज़ को इंक्लूड करने की सोच रहे हैं इस वीज़ा को देने के लिए। अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ महीनों बाद या कुछ इस साल के बाद, आफ्टर 2019 के बाद, 2020 के बाद ये चालू हो जाए वीज़ा। सो ये एक अपडेशन है, सो एक अच्छी न्यूज़ भी है। सो अगर हम होप कर सकते हैं कि ये वीज़ा अगर फ्यूचर में आता है तो इंडियंस जो हैं काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलिया में 2 साल काम कर सकते हैं प्लस ट्रैवल कर सकते हैं। सो यही है ऑस्ट्रेलियन वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। और जो इसकी जो वीज़ा कॉस्ट मैंने आपको बताई थी, एक्यूरेट फीस $485 है। इसमें आपको कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट ट्रैवलिंग, इसे बोलते हैं ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको थोड़े से चाहिए होंगे, पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो, हेल्थ इंश्योरेंस एंड आपका मेडिकल फिजिकली फिट। इसमें फिजिकल फिट आदमी जरूरत पड़ी जो वहाँ आके ट्रैवल कर सके प्लस हॉलीडेज में काम कर सके और अपना 2 साल कंप्लीट करने के बाद अपना इंडिया में या होम कंट्री में रिटर्न हो सके। लेकिन ये अभी न्यूज़ ही डिस्कस चल रहा है पार्लियामेंट में कि करा जाए या नहीं करा जाए। ये डिसीज़न हम आपके कुछ समय बाद पता लगेगा कि इस वीज़ा को पास करा है नहीं करा। इस वीज़ा की जो कैटेगरी है 462, आप गूगल में भी जाके देख सकते हैं, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा फॉर इंडियंस, अभी तक नहीं आया है। वो डिस्कस कर रहे हैं 12 कंट्रीज़ को कि इंक्लूड करा जाए या नहीं करा जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, सो आप पहले जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं अगली वीडियो में फिर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसी न्यूज़ में बस इतना ही पता चला है कि जो वीज़ा है वो इंडियंस एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सोच रही है 462। जब पास होगा आई विल क्रिएट सम अनदर वीडियोस और आप गूगल पे भी अपडेट रहते रहना। अगर आपको जब ये अपडेशन कंफर्म हो जाता है आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा को। सो मैंने आपको बता ही दिया, इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, अगर ये लॉ पास होता है तो आपको क्या क्या चाहिए। आप 18 से 30 साल तक होना चाहिए, फ्रेश पासपोर्ट होना चाहिए, कोई रिफ्यूज़ केस नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपकी मेडिकल पूरा फिजिकल फिट होना चाहिए। जो वीज़ा की कॉस्ट है $485, एजुकेशन ऑप्शनल है, इंग्लिश में 4 या 5 बैंड 4.5 से 5 बैंड आपका होना चाहिए। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछना और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो यही एक न्यूज़ थी कि सर काफ़ी मैसेज आए थे कि सर ऑस्ट्रेलिया में चालू हो चुका है इंडियंस के लिए। सो मैं इसी मिथ को क्लियर कर दिया है, मैंने अभी तक चालू नहीं हुआ है, चल रहा है केस कि देखे क्या होता है, आप फ्यूचर्स में कब अप्लाई होता है या नहीं होता है। जब अप्लाई होगा तो मैं आई विल क्रिएट वीडियोस। वैसे अच्छा न्यूज़ है, डॉक्टर कॉलमन सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने थोड़ा सोचा है ताकि इंडियंस को भी हेल्प हो सके। और उधर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सीजनल फार्मिंग वर्कर्स हैं, उनको जो एंटरप्रेनर हैं उनको भी कुछ राहत मिले, अगर क्योंकि डेवलप कंट्री से जो जाते हैं वो उस काम के लिए सूटेबल नहीं है, मीन्स वो कर नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा है अगर हम इस वीज़ा को ग्रांट करते हैं सो एशियन की जो लेबर है, जो ट्रैवल है, वो काम भी कर सकते हैं प्लस अर्न कर सकते हैं और वहाँ ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोजर ले सकते हैं और अपनी कंट्री में वापस आ सकते हैं। सो दोनों तरफ से फ़ायदे हैं। सो लेट अस सी हाउ फ्यूचर में क्या होता है इस वीज़ा के बारे में 462 सब क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अभी तक फिर भी इन समरी लास्ट बता रहा हूँ, अभी तक चालू नहीं हुआ है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। जब लॉ एंड ऑर्डर पास हो जाएंगे आई विल क्रिएट सम वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।